बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं नूरतराम लोली और आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल अंबेडकर पीपल्स वॉइस को। दरअसल आप सभी को पता है कि बहुजन समाज पार्टी राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा, कोई भी ऐसा राज्य नहीं होगा जहां से चुनाव लड़ रही हो और उनकी प्रत्याशी सूची जारी हो जाए और हम आपको बताए नहीं। बंगाल में भी बसपा अपनी दम पर अकेले चुनाव लड़ रही है। पूरी की पूरी 40 सीटों के लगभग उनका शायद चुनाव लड़ने का है। अधिकांश जो सीटें हैं उनके ऊपर उन्होंने अपने उम्मीदवार भी उतार दिए हैं। पिछली दो सूचियां थी वो हमने आपको जारी करके बता दी। बंगाल के अंदर हमारे रहने वाले चैनल के सहयोगी ने हमें एक और लिस्ट है वो बंगाल की भेजी है, उसी का हम आपको बताएंगे कि बंगाल में आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बसपा ने जो और सूची जारी की है उसके अंदर कितने लोकसभा सीटों के ऊपर है, वो कौन कौन सी सीटों के ऊपर बसपा सुप्रीमो मायावती की अनुशंसा या आह्वान के बाद वहां पर अपने प्रत्याशियों की वो घोषणा कर दी है। तो पहले तो हम आपको बता दें कि बंगाल की जो तमलुक लोकसभा की सीट है वहां से काठी से कर दिया गया है, गाटल जो लोकसभा सीट है वहां से कर दिया है, जारग्राम से कर दिया गया है, मेहंदी मदनीपुर जो है वहां से कर दिया गया है, पुरलिया जो है वहां से कर दिया गया है, बानकुरा जो लोकसभा की सीट है वहां से कर दिया गया है, दमदम जो लोकसभा की सीट है वहां से कर दिया गया है, बारसत जो लोकसभा की सीट है वहां से कर दिया है, जयनगर जो लोकसभा की सीट है उससे कर दिया है, मथुरापुर जो लोकसभा की सीट है उससे भी कर दिया गया है, जादवपुर जो लोकसभा की सीट है उससे कर दिया गया है, कोलकाता दक्षिण से कर दिया गया है, कोलकाता उत्तर जो लोकसभा की सीट है उससे भी कर दिया गया है। तो ये तमाम जो लोकसभा की सीटें हैं वहां पर अपना कैंडिडेट है वो बहुजन समाज पार्टी ने अपने दम पर उतारने की कोशिश की है। दरअसल आपको बता दें कि जो बहुजन समाज पार्टी का विस्तार पूरे देश के अंदर है, बहुजन समाज पार्टी पूरे देश के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के बाद वोट शेयर के मामले में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है और इसी मायने से ये देखा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी और कांग्रेस से भी ज्यादा लोकसभा के प्रत्याशी, आपको बता दें बीजेपी और कांग्रेस से भी ज्यादा प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी लोकसभा के तत्वाधान में अपने कैंडिडेट उतारती है, क्योंकि बीजेपी जो पार्टी है वो अपने अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन कर लिया तो उसकी सीटें घट जाती है। कांग्रेस के साथ भी यही होता है, लेकिन बसपा ऐसी पार्टी है जो बहुत ज्यादा कम अपने सीटों पर, लेकिन इस बार बसपा ने अपने कई राज्यों के अंदर गठबंधन कर रखे हैं। तो आपको बता दें कि इन सीटों के ऊपर किन किन व्यक्तियों को है वो उतारा गया है, वो आधिकारिक सूची आपको बता देते हैं। बंगाल की जो तमलुक लोकसभा सीट है वहां से श्री माखन मदयात्रा को टिकट दी गई है, और काठी जो लोकसभा की सीट है वहां से कोकन बर्मन को टिकट दी गई है, और घाटाल जो लोकसभा की सीट है वहां से सुरजीत सेनापति को मैदान में उतारा है बसपा ने अपने चुनाव चिन्ह हाथी के तत्वाधान में, जारग्राम जो लोकसभा की सीट है वहां से अशोक कुमार को मैदान में उतारा है बसपा ने, मेहंदीपुर जो लोकसभा की सीट है वहां से रामकृष्ण सरकार को मैदान में उतारा है, पुरलिया जो लोकसभा की सीट है उससे आनंदी तीदू को मैदान में बसपा ने उतारा है, बानकुरा जो लोकसभा की सीट है वहां से महादेव बेरी को मैदान में उतारा है बसपा ने, दमदम जो लोकसभा की सीट है वहां से नरेश चंद्र को मैदान में उतारा है बहुजन समाज पार्टी ने, बारसद जो लोकसभा की सीट है वहां से सुकुमार बाला को मैदान में उतारा है बसपा ने, जयनगर की जो लोकसभा सीट है वहां से शंकर फैब को मैदान में उतारा है, मथुरापुर जो लोकसभा की सीट है वहां से गोरीबुल्ला मिल्ला को टिकट उतारा है, उनको टिकट दिया गया है, लोकसभा के तत्वाधान में अपना कैंडिडेट बनाया है। इसके बाद करें हम जादवपुर जो लोकसभा की सीट है वहां से विमल कृष्णा मंडल को मैदान में उतारा है, कोलकाता दक्षिण से सरफराज खान को टिकट दिया है बसपा के हाथी चुनाव चिन्ह के तत्वाधान में, कोलकाता जो उत्तर की जो सीट है वहां से ओम प्रकाश प्रजापति को मैदान में उतारा है बसपा ने। तो ये आप देख सकते हैं कि इस प्रकार बसपा ने अपने बंगाल के अंदर तीसरी और चौथी सूची है वो भी जारी कर दी गई है। मिलेंगे किसी नई राज्य, नई वीडियो, नई अपडेट के साथ। तब तक आपसे उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। और साथ ही आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो जो आपको ज्वाइन बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और जो ज्वाइन के बाद में जो फॉर्म आता है उसको पूरा फिल करने के बाद हमारे आधिकारिक मेंबर बन सकते हैं, उसके बाद आपकी रिक्वेस्ट हमारे पास आ जाए।